हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और राखी की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन पे ऑन करें। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी केक। ये बच्चों को काफी पसंद आता है और घर पे काफी आसानी से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आधा कप टूटी फ्रूटी लिया है, 2 चम्मच ली है मैंने किशमिश, और यहाँ पे मैंने मेल्टेड बटर लिया है आधा कप, यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच वनीला एसेंस यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया है मैदा, यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग सोडा आधा चम्मच, यहाँ पे मैंने कर्ड लिया है यानी कि दही 1 कप, और यहाँ पे ली है मैंने पिसी हुई चीनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टूटी फ्रूटी केक बनाना। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे ये चीनी। अब हम इसमें मेल्टेड बटर डाल देंगे। बटर और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। बटर और चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये दही ऐड कर देंगे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच वनीला आइसिंग ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 पिंच नमक ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के से मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है। तो ये देखिए, अब हम इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम ये टूटी फ्रूटी लेंगे और इसमें 1 चम्मच मैदा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो हम एकदम से पूरा मैदा नहीं ऐड करेंगे, पहले हम आधा मैदा डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ मैदा भी ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब हम इसमें ये टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम केक टिन रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक केक टिन ले ली है और इसको मैंने अच्छे से बटर लगा के ग्रीस कर दिया है और नीचे मैंने इसके बटर पेपर डाल दिया है, ताकि हमारा केक अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। अब हम मोल्ड में बैटर डाल देंगे इस तरीके से। बैटर को हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। बैटर को हमने केक टिन में अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे, ताकि इसके जो एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। अब हम बैटर के ऊपर से भी थोड़े से टूटी फ्रूटी और नट्स डाल देंगे। अब हम केक को बेक करेंगे। तो केक को हम कुकर में बेक करेंगे, आप चाहे तो इसको माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केक को बेक करने के लिए एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं ये स्टैंड डाल दूंगी इस तरीके से। अब हम इसमें ये केक का मोल्ड डाल देंगे और कुकर को कवर करके ढक्कन से हम इसको गैस पे रख देंगे।
कुकर को हमने गैस पे रख दिया है और इसकी सीटी भी निकाल दी है और इसकी जो रबड़ है वो भी निकाल दी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे केक को बेक करने के लिए, और इसको हम 20 to 25 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 25 मिनट हो गए हैं। अब हम कुकर को ओपन करके देखेंगे कि केक हमारा रेडी हुआ है या नहीं। कुकर का ढक्कन हमने ओपन कर लिया है। अब हम केक चेक करेंगे। तो हम ये स्टिक लेंगे और इसको केक में डालेंगे। तो ये देखिए स्टिक एकदम क्लीन निकल आई है, मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। केक हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो हम एक प्लेट लेंगे इस तरीके से और इसको इसके ऊपर ढक देंगे और इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। फिर हम इसको ऐसे थोड़ा सा टैप करेंगे। तो ये देखिए केक हमारा निकल आया है और ये कितना अच्छा केक निकला है। तो आप देख सकते हैं केक हमारा कितना स्पॉन्जी है, कितना सॉफ्ट है। अब हम इसको कट करेंगे। तो केक को मैंने कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं केक हमारा कितना स्पॉन्जी बना है, कितना अच्छा बना है। तो जब भी टूटी फ्रूटी केक खाने का मन करे तो आप घर पे ही बहुत अच्छा टूटी फ्रूटी केक बना सकते हैं एकदम फ्रेश। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।